महिंद्रा और कल्याणी के बाद अभी आर्मी की तरफ से टाटा की आर्मर्ड व्हीकल को अपने फोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। रशिया की फॉरेन मिनिस्टर की इस बार की भारत यात्रा भारत और रशिया दोनों के लिए काफी जरूरी क्यों होने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है, जिसको बांग्लादेश के लिबरेशन के 50 साल के पूरे होने की खुशी में किया जा रहा है। एक इंडियन MSME कंपनी की तरफ से अभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सिमुलेशन टेक्नोलॉजी को ऑफर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करके हम नियरली इनविजिबल या स्टेल्थ डिजाइन को डेवलप कर सकते हैं। और अंत में पहले भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को दोबारा शुरू करने की बात करने के बाद अभी पाकिस्तान इसको रिज्यूम करने के लिए क्या शर्त रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की आर्मर्ड व्हीकल को लेके। हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडियन आर्मी के लिए लगभग 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल और एक अननोन अमाउंट में कल्याणी M4 व्हीकल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसमें से 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल की कीमत लगभग 1056 करोड़ के आसपास था और जो कल्याणी M4 व्हीकल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था उसकी कीमत 177 करोड़ समथिंग या लगभग 178 करोड़ के आसपास की बताई गई थी। लेकिन तब एक्चुअली ये बताया नहीं गया था कि इसके अंदर कितने व्हीकल यानी कि कितने कल्याणी M4 व्हीकल खरीदे गए थे। अब सबसे पहली बात तो यह कि कल्याणी M4 व्हीकल की प्राइस पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी और मैंने उस वक्त अंदाजे से आपको बता दिया था कि हो सकता है यहाँ पर 30 से 35 व्हीकल को खरीदा गया, लेकिन अभी द प्रिंट में इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया कि अभी आर्मी की तरफ से टोटल 27 M4 व्हीकल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है। इसके अलावा अभी और भी नए आर्मर्ड व्हीकल को इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया है और इस बार जो आर्मर्ड व्हीकल इंडियन आर्मी में शामिल होने वाला है वो टाटा की तरफ से होने वाली। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे कौन सा व्हीकल शामिल किया जाएगा, लेकिन आर्मी की तरफ से अभी अलग अलग तरह के वील्ड बेस आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इसकी प्रोडक्शन सिस्टम भी अलग अलग लेवल की होने वाली, यानी कि अभी लाइटवेट कैटेगरी से लेके आर्मी की तरफ से हेवियर क्लास की आर्मर्ड व्हीकल को भी खरीदने का प्लान किया गया है, जो कि स्मॉल आर्म से लेके माइनर आईडी अटैक्स को भी आसानी से झेल पाएंगे। अभी अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर टाटा की क्रिस्टल एक बढ़िया आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बन सकता है या फिर टाटा के व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर को भी एक ऑप्शन के तौर पर लिया जा सकता है। अब ये व्हीकल लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के मुकाबले काफी महंगे पड़ने वाले हैं, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदने का प्लान नहीं किया गया और कुल मिलाकर ऐसे 100 के बीच व्हीकल खरीदे जाएंगे। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लवरोव अभी इसी हफ्ते के अंदर ही भारत के गश्त पर आने वाले हैं। उनकी इस विजिट के दौरान रशिया और भारत के बीच डिफेंस के अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत होने वाली है, जैसे कि रशिया अभी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो मेनली स्टील, वाटरवे और रेलवे के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब इसके अलावा भारत और रशिया के बीच वैसे भी काफी सारे पेंडिंग डिफेंस डील पड़े हुए हैं और उसके बारे में भी डिस्कशन होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा भारत को भी रशिया में इन्वेस्ट करने के लिए रशिया की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है और रशिया की फार ईस्ट साइड में ऑयल और नेचुरल गैस के सेक्टर में भारत भी इन्वेस्ट करने वाला है और इसको लेके पिछले साल भी कुछ प्रपोजल दिए गए थे, जिसमें विशाखापट्टनम से रशिया की ईस्ट और आर्कटिक रीजन तक वाटरवे को कनेक्ट करने की बात की गई थी। इसके लिए अभी भारत की मदद करने के लिए रशिया की तरफ से भारत को $1 बिलियन तक की लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑफर किया जा रहा है। साथ ही अभी रशिया के प्रेसिडेंट भी भारत के गश्त पर आने वाला और रशियन फॉरेन मिनिस्टर के इस विजिट के तुरंत बाद वो भारत के गश्त पर आने वाले हैं। अभी मेनली रशिया की तरफ से दो डिफेंस डील को लेकर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें से एक तो AK-203 राइफल की डील होने वाली और दूसरा S-400 डील होने वाला है। इसमें से AK-203 राइफल की डील में रशिया और भारत के बीच प्राइस को लेकर अभी भी नेगोशिएशन किया जा रहा है और ये फाइनल ना होने की वजह से अभी तक इनका प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पा रहा है और लेट होने की वजह से भारत अभी धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट ओरिजिन राइफल या 6716 राइफल की तरफ शिफ्ट होना चाहता है और अगर रशिया जल्दी से इसको फाइनल नहीं करता है तो हो सकता है भारत ओरिजिन लेके 203 राइफल की डील में जितने राइफल खरीदने का प्लान किया गया था उसको कुछ हद तक कम कर सकता है और बदले में 1 से 2 लाख एडिशनल SIG-716 राइफल को खरीद सकता है। अगला अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेके। आप सबको याद होगा हाल ही में ही हमारे PM बांग्लादेश के गश्त पर गए हुए थे और इसी बीच अभी PTI में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को भी करने का प्लान किया गया है और इसको अभी बांग्लादेश के आजाद होने के 50 साल पूरे होने के अवसर पर करने का प्लान किया गया है। बस ये कोई बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं होने वाली और इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश के साथ भूटान और श्रीलंका भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
इसे 4 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक कंडक्ट किया जाएगा और इसमें अभी भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट के लगभग 30 जवान पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इस जंग में भारत के सामने पाकिस्तान के लगभग 93,000 सोल्जर्स सरेंडर किए थे, जो कि शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। और कुछ महीने पहले एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर के साथ मेरी बात हुई थी, जो कि उस वक्त पैराट्रूपर रेजिमेंट में थे, और उन्होंने बताया था कि उस दौरान वो लगभग 500 ही थे, लेकिन 6 घंटे के अंदर ही, यानी कि सुबह होने से पहले, उन्होंने लगभग 5,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को घेर के उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगला अपडेट एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को लेके, जिसने अब एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है जिसे किसी भी वॉरशिप्स को रडार से गायब किया जा सकता है, या फिर यूं कहें कि किसी भी स्टेल्थ वॉरशिप्स के डिजाइन को बनाया जा सकता है। हाल ही में बेंगलुरु में हुई एरो इंडिया शो के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस चैलेंज या आईडेक्स में इस कंपनी को विनर भी घोषित किया गया था, और इस कंपनी की तरफ से इस दौरान एक ऐसा सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था और इसके बारे में जिक्र किया गया था, जो कि किसी भी वॉरशिप्स को दुश्मन के रडार से ऑलमोस्ट गायब कर सकता है। इसके बाद अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस कंपनी को लगभग 1.5 करोड़ दिया गया था, और ये कंपनी अभी आगे चल के गोवा सिपेट लिमिटेड के साथ मिलकर हमारे फ्यूचर वॉरशिप्स को डेवलप करने में मदद करने वाली है, जिसमें सबसे पहले तो इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले ऑफशोर पेट्रोल वेसल को बनाया जाएगा, और उसके बाद हमारे जितने भी फ्यूचर वॉरशिप्स को बनाए जाएंगे उसमें गोवा सिपेट लिमिटेड को मदद करने वाले, और इनकी मदद से हम आगे चल के बेहतर स्टेल्थ वॉरशिप्स को डेवलप कर सकेंगे। यानी कि आसान भाषा में कहे तो फ्यूचर में हमारे जो नए वॉरशिप्स बनाए जाएंगे उनकी मॉडल या डिजाइन को बनाते वक्त ज्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से इसकी स्टेल्थीनेस को मेजर किया जाएगा, और अपनी सॉफ्टवेयर की मदद से एक कम्प्लीटली स्टेल्थ डिजाइन को तैयार किया जाएगा, जो कि रडार में आसानी से नजर नहीं आएगा। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी में अभी बस 42 एम्प्लॉई काम करते हैं, और कुल मिलाकर इनके पास 50 के आसपास डिफेंस क्लाइंट्स हैं, पर अभी तक इन्होंने लगभग 225 से ज्यादा प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर लिया है। किसी भी बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम इसका एक 3D डिजाइन को पहले तैयार करते हैं, और अभी ये कंपनी जिसका नाम ज्यूस न्यूमेरिक्स है, ये बेहतरीन तरीके से सिमुलेशन वर्क को कर रहे हैं और बहुत ही कम कीमत पर इनको ऑफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई में इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, तो इसके लिए सुखोई के फजलाक सेक्शन में जो मॉडिफिकेशन किए गए थे उसके लिए डिजाइन और सिमुलेशन वर्क को करने के लिए रशिया की तरफ से लगभग 1,300 करोड़ का डिमांड किया जा रहा था, जबकि सेम काम को ज्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से बस 80 करोड़ में ही कर दिया गया था। इसके अलावा DRDO और इंडियन एयरफोर्स की अलग अलग वेपन की टेस्टिंग के दौरान भी, या किसी भी नए वेपन की प्रोडक्शन शुरू होने से पहले जब उसकी टेस्टिंग होती है, उसको ज्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से पहले सिमुलेट किया जा सकता है, और इससे काफी पैसा भी सेव किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल FSA PDS राउंड की बात करें तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो लगभग 3.5 लाख के आसपास की होती है, और इनको जब टेस्ट किया जाता है तो कम से कम ऐसे 500 राउंड को फायर करना पड़ता है, पर अगर सिमुलेशन की बात करें तो फिजिकली बस 50 राउंड के फायर करने के बाद सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर की मदद से कर लिया जाता है, और इनकी सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी अभी लगभग 95% से भी बेहतर पाया गया है, तो इससे 16 करोड़ से भी ज्यादा सेव किया जा सकता है, और ज्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से ये सब करने के लिए बस 2 से 3 करोड़ डिमांड किया जाता है। एक और फायदा ये भी है कि अगर यहाँ पे पूरे 500 राउंड को फायर किया जाता तो इससे कम से कम 2 टैंक की बैरल की जो सर्विस लाइफ है वो एकदम खत्म हो जाती, जो कि हमको बाद में चेंज करने पड़ते, और इससे करने में लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास खर्च हो जाते, लेकिन यहाँ पर उसको भी सेव किया जा सकता है। अगला अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेके है। कुछ महीने पहले इंडियन आर्मी की तरफ से एडिशनल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, और लगभग 6 नए आकाश रेजिमेंट को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया था। अभी अपडेट आया कि भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्मी को इनको सप्लाई करना शुरू कर दिया गया, और हाल ही में ही भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से इनको इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया। अभी इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से कई सारे इंडियन MSME कंपनी को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये आगे चल के इनको एक्सपोर्ट भी करना है, और इसको अभी एक्सपोर्ट करने के लिए हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस दिया गया था, और अभी कई एशियन और अफ्रीकन नेशन को इसको एक्सपोर्ट करने का एम रखा गया है। वैसे ये आकाश मिसाइल का बेस वेरिएंट होने वाला है, जिसकी रेंज लगभग 25 किलोमीटर है, और ये मैक्सिमम मार्क 1.8 से लेके मार्क 2.5 की स्पीड को अचीव कर सकते हैं। बाकी अभी इसकी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को, यानी कि आकाश NG को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि लगभग 70 किलोमीटर तक मार कर सकता है, या फिर अगर इसकी बाकी दो और वेरिएंट की बात करें तो उसमें आकाश 1S की रेंज लगभग 30 से 35 किलोमीटर और उसकी मार्क 2 वेरिएंट की रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक बताया जाता है।
अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। आप सबको पता होगा कि पिछले 2-3 दिनों से ये खबर चल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को दोबारा शुरू करने का प्लान किया गया है, लेकिन कल इसे ऑफिशियली पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट की तरफ से खारिज कर दिया गया था कि नहीं, पाकिस्तान अभी भारत से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करेगा। अफसोस की बात तो ये कि इसमें भारत को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि पाकिस्तान की कैबिनेट की इस डिसीजन से पाकिस्तान की एमएसएमई कंपनीज के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। अब हालांकि पाकिस्तान की हालत अभी काफी खराब चल रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के साथ नेगोशिएशन करना चाहता है। मतलब अभी ये जो चीनी और कॉटन इम्पोर्ट करने की बात की गई थी, दरअसल इनको इम्पोर्ट करने के बदले पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में जो बदलाव किया गया था उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए, यानी कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर दिया जाए और ये जो नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे इनको दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए। और ये शर्त अभी पाकिस्तान की तरफ से रखा गया है, मतलब अगर ये सारे शर्त भारत मान लेता है तो तब जाके पाकिस्तान भारत के साथ अपनी बंद पड़ी हुई ट्रेड रिलेशन को दोबारा शुरू करने वाला। बताओ कोई सेंस है इस बात में? वैसे भी हम सेंस और लॉजिक की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये दोनों ही मेरे सपने में आए थे और बोल के गए कि दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेटमेंट्स मेड बाय पाकिस्तान। तो जब भी पाकिस्तान से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट की बात करे तो हमारा नाम मत लियो, ऐसा बता के गए। और वैसे भी नेगोशिएशन तब किया जा सकता है जब दो बराबर की हस्ती आमने सामने हो। और वैसे भी पाकिस्तान की मूल सिद्धांत एक कहावत के ऊपर आधारित है कि चाहे ना फटने वाली चीज फटे तो फटे, लेकिन नवाबी ना घटे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।